कहानी सुनाता हूँ एक दूध वाले की, जो दूध में पानी मिलाता था, और उस बेईमान दूध वाले को भगवान ने कैसे सबक सिखाया। कैसे हो भैया? ठीक है। क्या बात है भैया, भैंस को ज्यादा पानी देने लग गया क्या? दूध कुछ ज्यादा ही पतला लग रहा है। नहीं 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 बहम हो गया आपके, एक नंबर दूध है, डेयरी से सीधा यहाँ पहुंचाता हूँ। हाँ, सबसे अच्छा दूध है। कैसे कैसे आदमी है यार इस दुनिया में। मैं दूध में सबसे कम पानी मिलाने वाला दूधी हूँ, फिर भी मेरे पे शक करते हैं। अरे लोग तो आधा पानी मिलाते हैं, मैं तो फिर भी कम मिलाता हूँ। इस तरह वो गली गली घूमकर दूध के साथ अपना पानी भी बेच लेता था। बहुत लेट कर दिया अंकल जी आज। अरे लेट, धुंध देखा कितनी है, दूध का वेट कर रहे हैं, आप ही नहीं आ रही। लेट इसलिए हो गया कि पानी पानी, अरे रास्ते में पानी बहुत बरस रहा है। अच्छा, इसलिए ठीक है। अच्छा बाबूजी, बिल लाओ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन। क्या बाबूजी, ये मेरे पास तो ये छोटे वाला फोन है, कैसे ऑनलाइन होगा? आप मुझे नगद दे दो प्लीज, कैश। हाँ देता हूँ। एक तो ना ये फोन चेंज करूंगा ताकि मुझे सारी पेमेंट ऑनलाइन मिले। ये लो। पूरे? हाँ पूरे। दूध बेच के जो पैसा मिलता था उसका बच्चों के लिए राशन लेता था। दूध में पानी मिलाकर बेईमानी की कमाई ज्यादा करने लगा तो शौक भी बड़े हो गए, मोबाइल भी खरीदने चला गया। राशन भी आ गया और पानी मिला मिला के जो दूध बेचा उसका मोबाइल भी खरीद लिया। बेईमानी के पैसों का मोबाइल खरीद कर बहुत खुश था दूध वाला। भैया, दूध बेचा जितनी मेहनत करी उसका राशन आ गया, और जो पानी मिलाया उसका फोन आ गया। हे जल देवता, ओ जल देवता। मेहनत करके कमाए हुए पैसे का राशन आ गया और जो पानी का बेईमानी का पैसा था वो पानी में चला गया। इसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। अरे इतनी मुश्किल से, तो इतनी मेहनत करके मैंने फोन लिया,
फोन भी मेरा मानी मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा। भगवान का ये न्याय आपको पसंद आया तो वीडियो शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद।